सुपरफास्ट की बात कुछ और खबरों का विस्तार से रुक करें। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, खेवसर विधायक और एनडी गठबंधन से लोकसभा प्रत्याशी रालोपा सुप्रीमो अनुमान बेनीवाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें, चुनाव पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के बाद में कुचेरा थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया। मामले की जांच सीआईडी सीबी करेगी और लोकसभा चुनाव के दौरान हुई इस झड़प के बाद रास्ता जाम करने और धारा 144 की अवहेलना करने पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान यह झड़प हुई थी, साथ ही रास्ता जाम करके एक धारा 144 की अवहेलना करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। अब जो पूरे मामले की जांच है वो यहां पर आगे की जा रही है। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी हम कॉपी आपको दिखा रहे हैं। चुनाव पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन पर यह केस दर्ज किया गया है। कुचेरा थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज किया। मामले की जो जांच है वो अब आगे की जाएगी। सीआईडी सीबी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इस दौरान जब लोकसभा चुनाव के बीच में आदर्श आचार संहिता के बीच में इस तरीके से झड़प और धारा 144 का उल्लंघन करना, इसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ। और हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। दामोदर, ये धारा 144 का उल्लंघन करना, सड़क जाम करना, तमाम मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण में नागौर का जो मतदान हुआ था, इसी दौरान कुचेरा के अंदर जो फर्जे मतदान को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हुई थी और उसके बाद देर रात मतदान की समाप्ति के बाद हनुमान बेनीवाल बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कुचेरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इसी पूरे मामले को लेकर कुचेरा थानाधिकारी मुकेश कुमार ने कुचेरा थाने में इसके धारा 144 का उल्लंघन, साथ ही जो निर्वाचन विभाग के जो आदेश है उनका उल्लंघन करने के मामले को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं इस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी सीबी करेगी और इसके बाद ही इस पूरे मामले की जांच होगी। जी ठीक है, ठीक है दामोदर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।